धर्मगुरुओं, हमारे कार्यक्रम के इस आज के सत्र में देव पूजन का सिलसिला हमारा चल रहा है कई दिनों से। ये प्रभु की महिमा है, मेरे पास शब्द नहीं है तो उनका प्रसाद है। तो देव द्विज गुरु प्राप्त पूजनम, तो देव पूजनम इसको हमने प्रारंभ किया था। देव की परिभाषा, देव के स्वरूप, देव के विषय में विभिन्न अपने अपने दृष्टिकोण से हमने जो आपके सामने रखे उसी के अंतर्गत आज के प्रसंग को भी हम आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। देव पूजनम, जैसा कि हमने आपके सामने रखा, परमेश्वर का नाम स्मरण होना चाहिए, क्योंकि बिना भी तप के अंतर्गत आता है, वाचिक तप है, और ये तब होगा जब इसके लिए हम पूरी तरह से तत्पर रहेंगे, पूरी तरह से हमारा ध्यान उस पर केंद्रित रहेगा, वरना होगा क्या? कल बताया था मन की चंचलता, मन की अस्थिरता, रोज ये डूबती हमें कहां से कहां तक इसका कोई परिज्ञान हमें नहीं है, क्योंकि मन एवं मनुष्याणां कारणं बंधमोक्ष, मनुष्यों के बंधन और मुक्ति को दिलाने वाला सबसे पहला स्टेप जो है ये मन के ऊपर आता है। इसकी स्थिरता बहुत कठिन है। अर्जुन जैसे महान योद्धा, महान विद्वान, जिसको भी संशय पड़ा था और भगवान कृष्ण से पूछा था और उसकी बात हमने आपके सामने रखी, तो ऐसा ये मन, तो इसको प्रथम हमने केंद्रित करना है वो किसके द्वारा? जब तक हमारी वृत्तियां, हमारी मनोभावनाएं यत्र तत्र बिखर जाएगी और वो मन के सहयोग से, तो हम ध्यान को केंद्रित कर नहीं पाएंगे। ध्यान हमारा हर प्रकार की साधना में जो है एक बलवान पार्ट अदा करता है, श्रेष्ठ पार्ट अदा करता है, क्योंकि बिना इसके कोई भी कार्य आप सद नहीं सकते। जिसमें ध्यान ना हो, जिसमें लक्ष्य ना हो, जिसमें पूरी तरह से हमारा जो है अंतर मन न जाए, हम उसको कभी भी सफलता से प्राप्त नहीं कर पाते। उदाहरण कही आपके सामने, व्यापारी अगर व्यापार में अपना ध्यान नहीं लगाता तो नफा टोटा क्या है उसको पता नहीं चल पाएगा। विद्यार्थी विद्या अध्ययन पे अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर पाएगा, सफलता उसे कोसों दूर भागेगी। एक शिक्षक अपने विषय को प्रतिपादित करने में जरा ना कार्य करेगा तो विषय की यथास्थिति किसी के सामने प्रकट नहीं कर पाएगा। हमारी बहने देवियां भोजन बनाने में थोड़ा सा ध्यान इधर उधर कर देंगी तो कहीं मिर्ची ज्यादा, तो कहीं नमक ज्यादा, कहीं कुछ। मैंने भी एक बार ऐसा अनुभव किया, सास बहू की लड़ाई थी, सास ने भी नमक डाल दिया, मिर्ची डाल दी, और देवी ने दूसरी बहू ने भी डाल दी। खाने बैठा था, चारों ही सब्जियों में नमक ज्यादा, मिर्ची ज्यादा, क्योंकि आपस में लड़ाई हो गई थी। दूसरे दिन मुझे मिली, गुरुजी आपने सारी चीजें खाली बोलेंगी, मैंने कहा क्या बोलता, बोले हमारी आपस में लड़ाई थी, वो भी बोली नहीं और मैं भी बोली नहीं, वो भी डालती है मैं भी डालती हूँ। मैंने कहा मैं भी खाता रहा। कहने का मेरा ध्यान जब केंद्रित न हो किसी किसी विषय में, अभ्यास जो होना चाहिए ध्यान का, तो ये बहुत जरूरी है। हर क्षेत्र में विद्यार्थी क्षेत्र के अंतर्गत, शिक्षक की शिक्षा अध्यापन के क्षेत्र में, देवियों का स्वयं के क्षेत्र में, जिसका भी जिस क्षेत्र में पदार्पण है
वो उस पर ध्यान केंद्रित करेगा तो वो उस कार्य को सर पाएगा, वरना शिक्षक की नौकरी चल जाएगी, विद्यार्थी फेल हो जाएगा और देरिया फिर आपस में लड़ाई प्रतिबंध साधन करेगी। तो इसलिए हर क्षेत्र में अध्ययन की आवश्यकता है, ध्यान की आवश्यकता है, अध्ययन का ध्यान की, क्योंकि बिना ऐसे काम जल ही नहीं पाता कौन सा भी संसारी कर्तव्य या संसारी कर्तव्य सद नहीं पाता। तो वहां हमने परम परमेश्वर की प्राप्ति का जो लक्ष्य पाना है वो कैसे पाएंगे, जब हमारा ध्यान उस नाम स्मरण की ओर या उस तप की ओर या उसके साधना की ओर नहीं पूरी तरह से फिट बैठता, नहीं बन पाएगा। इसलिए ध्यान को केंद्रित करने का प्रयत्न कीजिएगा। एक उदाहरण सुना रहा हूं आपको। एक बार राजा अकबर शिकार खेलने गया, शिकार मिली नहीं, घूमता रहा इधर उधर काफी देर तक, दोपहर का समय हो गया, नहीं मिली शिकार, पीड़ित था, व्याकुल था, लेकिन नियम उनका बड़ा जबरदस्त है, दो मिनियों जब नमाज का समय आता है तो वो आगे नहीं देखते, पीछा नहीं देखते, जहां बड़ी तारीफ होगी, जहां कहीं स्थान मिला, चाहे वो प्लेटफॉर्म हो चाहे रेलवे हो, वहीं पर चादर बिछाई और अपने नमाज के कार्य को अदा किया। बड़ी सुंदर होनी चाहिए ये बात, ध्यान देने होंगे। राजा अकबर ने चादर बिछाई अपने नमाज के टाइम पर और ध्यान लगाने का जैसा उनका विधान होता है, नियम होता है, वहीं से एक दूर से कहीं एक लड़की भागती हुई चली आई और उस चादर के ऊपर से पांव रखती हुई चली गई। बादशाह ने देखा, देखिए मेरी नमाज की चादर के ऊपर पांव रखकर चली, बड़ी अचंभे की बात है, बड़े दुख की बात है, क्रोध आ गया राजा को, इंतजार करता रहा उसे। थोड़ी देर बाद लड़की लौट कर आई और राजा ने उसको खड़ा करकर क्या किया, मेरे चादर के ऊपर पांव रख दिया, मैं नमाज पढ़ रहा था। उत्तर में उसने कहा, नर राजो सूझो नहीं तुम कद ज्ञान सुजान, कुरान पढ़ तो बूढ़ो भयो न राजो रहमान। कैसा सुंदर जवाब दिया कि नर राजो सूझो नहीं, मैं अपने पति के खोज के ध्यान में उसको ढूंढती ढूंढती चली गई, मुझे नहीं पता कि तुम्हारे चादर है या क्या है, पर तुम नमाज पढ़ रहे हो, तुमने कैसे जाना कि मैंने चादर के ऊपर जो है पांव रखा और मैं चली गई। मैं तो नहीं समझ पाई क्योंकि नर राजो सूझे नहीं तुम कर जगत जान, तुमने कैसा जान लिया कि मैंने कुरान पढ़कर बूढ़े भयो नहीं राजो रहमान। अरे कुरान की आयतें पढ़ते हुए या नमाज पढ़ती बूढ़ा हो गया है पर नहीं राजो रहमान, तुम्हारे अंदर जो है रहमान नहीं आया, भगवान नहीं आया, तुम्हारी क्रिया पूर्ण नहीं बन पाई, तुम्हें कैसे पता लगा। अरे मैं तो अपने पति की खोज में मुझे ध्यान नहीं, वहां चादर है कि क्या कुछ पड़ा है, कौन क्या कर रहा है, मेरा ध्यान तो अपने पति की ओर था, सुबह से शाम हो गई, दोपहर हो गई, ये खाना नहीं खाया उस, कहां होगा कहां नहीं, मैं अपने उस ध्यान में चली गई और तुम नमाज पढ़ रहे हो बूढ़ा हो गए हो और कुरान की आयतें पढ़ते पढ़ते और तुम्हें जो है कैसे पता लगा कि मैं जो है इसके ऊपर पांव रखी, अगर तुम्हारा ध्यान भगवान में होता तुम्हें क्या पता होगा। तीन उदाहरण हमने इसलिए आपके सामने रखा कि जहां उस देवी ने अपनी भावना व्यक्त कर दी कि ध्यान इतना होना चाहिए, ध्यान इस प्रकार का होना चाहिए अपने रूप में कि संसार की जो है विभिन्न प्रकार की क्रियाएं हमारे इस ध्यान में आड़े ना आए, और जब ध्यान में आड़े नहीं आएगी तो अपने आप जो है हम उस प्रभु का नाम जाप तप जो कुछ करना चाहेंगे कर पाएंगे। और इसके लिए मैंने उपाय भी बता दिया था कल आपको, अगर नहीं हो पाता आपसे भी, क्योंकि मानव स्वभाव है, मानव कर्म है, ऐसे जटिल कर्म होते नहीं भी करने देते, और इसके लिए दोनों उपाय बताए थे, याद हो गया क्या रखना,
तो इस तरह से अपने मन को ध्यान को केंद्रित करने के लिए हमें जो है प्रभु नाम का आश्रय लेना है। कब? जब प्रायश्चित होगा तब। बिना इसके आप सद नहीं पाएंगे। और यही बात मैंने कल आपके सामने उपाय के साथ बताई थी। उपाय जरूरी है ये दोनों, नाम साधने की, नाम को आत्मसात करने की, याद करने की और उसके द्वारा फल पाने की। तो हमें तप की साधना में सदना है। तो जहां हमें मन की स्थिति को ध्यान में मग्न करना है, नाम जाप करते हुए मैंने कल उपाय दिखाया था कि ये क्रॉसिंग है, जिस तरह से हमारे दोनों कान है इस तरह हृदय की दोनों क्रॉसिंग है। ऊंचे ऊंचे स्वर से गुनगुनाते हुए यदि हम नाम का स्मरण कर पाएंगे तो ध्यान हो पाएगा। और अनेकों उदाहरण मिलेंगे हमारे पूर्वज किस प्रकार के ध्यान किया करते थे, कैसी उनकी साधना थी, वो कैसी तपस्या थी उनकी, नाम स्मरण करने की तपस्या, ध्यान की तपस्या। प्रभु प्रेमियों उदाहरण हमारे पूर्व पुरुषों का आता है, अपने काफी पुरुष थे, अचल मुरारी मोहन दास, अचल मुरारी मोहन दास उनका नाम मुरारी मोहन दास था, लेकिन अचल नाम उनको मिला। क्यों मिला? और चल चलायमान नहीं था उनका मन, चलायमान की नहीं थी उनकी बुद्धि, में चलायमान था उनका किसी प्रकार का व्यवहार। स्मरण करने बैठते थे प्रभु प्रेमियों, सिर के ऊपर चादर ओढ़ ली, आंखें बंद कर ली। ये ध्यान रखना, सुख साधने में विजय नायका स्वामी ने कहा, सुख साधन से परमेश्वर को पाना चाहोगे तो नहीं पाओ। व्यवहार की क्रियाएं आपको कितनी दुखदायी होती है, कितना सुबह से शाम तक कष्ट उठाना पड़ता है, जब तब जाकर के वो क्रिया सत्य है। और परमेश्वर को पाना है नाम साधन के द्वारा, तो सुख साधने देव बीजा। हम पलंग पर बैठ करके, कुर्सियों पर बैठ करके अगर नाम जाप का सिलसिला शुरू करें तो कैसे बनेगा? आदर्श तो आएगी, क्योंकि बिस्तर है उसमें सोने के लिए मानना है, तो इसलिए बिस्तर पर बैठ के नहीं, नीचे बैठा कर चेहरा आगे पुरुषोत्तम। अर्जुन श्री भगवान ने यही बताया कि नीचे चादर बिछा दो, आसन बिछा दो, उसके ऊपर बैठ करके साधना करो, उसकी पैर ऊपर बैठ कर तपस्या करो, किसी ऊंचे स्थान पर या किसी मतलब गधे जैसे स्थान पर जहां पर आराम हो, वो सुख साधने देव न पीजे नाय। तो चलो वाले पास बैठते थे, जहां भी आंखें बंद करके प्रभु का चिंतन करते हुए मुख पलड़ा डालते थे। जंगल में बैठे हुए एक गिद्ध पक्षी उड़ता हुआ आकर उनके सिर पर बैठ गया। इनको पता नहीं पक्षी है या कौन है क्या, कोई पता नहीं, कोई रंग नहीं, अपने काम में बंद है, गुरु नाम में जाप में बने। थोड़ी देर बाद आता है औरंगजेब बादशाह, यह करना है शिकार खेलने आता है, दूर से देखता है एक जो है पक्षी बैठा हुआ है किसी झूठ पर बैठा है, किसी झूठ पर वृक्ष के टूटे हुए कहने पर बैठा हुआ है, क्योंकि वो अगर आदमी बैठा तो हिलता ना इधर उधर, कुछ वो हिल नहीं रहा, इसलिए निर्जीव पेड़ का कोई एक हिस्सा है फूल के ऊपर बैठा हुआ, देख करके बाहर निकाला उसने अपने और ये पे और निशाना साधा बराबर गिर के ऊपर, और औरंगजेब का निशाना कभी खाली नहीं जाता, निशाना साधा पक्षी उड़ गया, निशाना खाली गया। कहता है आज तक ऐसा नहीं हुआ, बात क्या, आज तक औरंगजेब का निशाना खाली नहीं गया, ये बात क्या, पक्षी उड़ कैसे गया? चला गया उस स्थान पर, देखा महात्मा ध्यान मग्न बैठे हैं, अचल मुरारी मोहन दास प्रणाम किया, ये इनका प्रताप बुलाया, आप इस सिर पर जो पक्षी बैठा था आपको पता है? मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता। उनका बस यही कारण है, उस पक्षी को बचाने वाले इसके अभिमानी देवता जो इस महात्मा की, अगर ये गिर जाता तो नहीं पता चल जाता, लेकिन पक्षी ने मरना नहीं गिरे आपसे, क्योंकि बचाने वाली जो है देवता इससे बड़ी श्रेष्ठ है। और इसकी आज्ञा कारणी है,
क्योंकि संत है, महात्मा है, इसकी इसको किसी प्रकार का निमित्त दोष न हो, क्योंकि इसके सिर पर बैठा पक्षी और बाहर जाए तो निमित्त कारण नहीं बनाना। निमित्त कारण जो है सहाय करती जो है उसको जो है बचा देती, बड़े लंबे आगे उसके, क्योंकि निमित्त दोष भी बड़ा लगता है, दोष माना गया। तो ये उसे दिखाती ज्ञान में मग्न महात्मा होती थी। देखो सहाय करती कैसी योग कर देती है, आपको एक और उदाहरण सुना रहा हूं मैं, बड़ा ध्यान देने की योग्य है कि सहाय करती किस प्रकार आपकी भी सहायता कर सकती है। महात्मा है, भिक्षा मांगने जाता है, क्योंकि नियम है अटल भीजन भिक्षा भोजन प्रसाद सेवा सब तो उसकी जो है एकादी के पुष्ट है। अटल भीजन भिक्षा भोजन प्रसाद सेवा का ध्यान प्रसाद सेवा, तो ये करते हुए महात्मा जो है अपने विधान के अनुरूप ज्ञान पहुंचा है भिक्षा मांगने। मेरा मरी आया अपने गृह में, वो तो कहां था, हालिया पालिया जान झोपड़िया है 5-7-10-20, वहां भिक्षा मांगने जाता है। भिक्षा चलो चार किया, देवी उठी झोपड़ी में बैठी हुई चली गई भिक्षा लाने अंदर, महात्मा खड़ा है अपना नाम सुन कर ऐसी जान दे रहा हूं, देवी वापस लौट रही आप तुरंत करा रही है, तो क्या आश्चर्य देखेगा उसकी तो दरवाजे के ऊपर से बड़ा नाग जहरीला पाल और निकल करके बाहर आ रहा है। और देवी आगे बढ़ती है, महात्मा ने देख लिया सांप, देवी अगर आगे बढ़ती है सांप ने इसको काटना है, इसके लिए मैं निमित्त बन जाऊंगा, क्योंकि मैंने कहा ना भिक्षा दो, माई भिक्षा लाने गई है और लेकर आ रही है, इसका मतलब मैं इसका कारण जब अगर ही मैं कहता हूं माता पीछे जा सांप चिल्लाई लोग जमा हो जाएंगे सांप को मारने, उसका भी निमित्त दोष मुझे आ गया, उसका भी निमित्त दोष मुझे, क्योंकि मैंने ही भिक्षा के लिए उसको भेजा और आने पर मैं ही चिल्ला कर कह रहा हूं माता आगे नहीं बढ़ना सांप का अटकाया। फिर सांप ने तो काटना है, मरना भी है मांगे, पर निमित्त कारण ही बना ना महात्मा, लेकिन सहाय करते उसका क्या करेगी। रोगी में आप बताओ मैं क्या बताऊ, ईश्वर के बड़े लंबे हाथ है प्रभु प्रेमियों, और संयोग वियोग सहाय तीनी माया करी, सहयोग संयोग देना है किसी को अच्छा बुरा, अच्छा पात्र का योग आ देना है, संयोग वियोग किसी बुरे दुश्मन का वियोग कर देना है, और सहायता करनी, ये आपकी ईश्वर की शक्ति माया करती है।